नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। ये है बिहार का विश्वविद्यालय जो इन दिनों सुर्खियों में है। इस विश्वविद्यालय का नाम भी बिहार है, लेकिन इसके कारनामे सुनकर आप चौंक जाएंगे। मुजफ्फरपुर का यह विश्वविद्यालय कर्मचारियों की मौत होने के बावजूद उन्हें लगातार पेंशन भेज रहा है। यही नहीं, कुछ की तो आश्रितों के निधन के बाद भी पेंशन चालू है, वो भी एक दो लोगों की नहीं बल्कि 45 पूर्व कर्मचारियों का पेंशन भेजा जा रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद फिलहाल विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। केमिस्ट्री के प्रख्यात प्रोफेसर डॉक्टर टी शर्मा हों या फिर वीसी के पूर्व पीए पुरुषोत्तम सिंह, ये ऐसे कुछ प्रमुख नाम हैं जिनका निधन हो चुका है, लेकिन बिहार विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में ये अब भी जीवित हैं। निधन के बावजूद विश्वविद्यालय इन्हें लगातार पेंशन भेज रहा है। यही नहीं, 45 ऐसे शिक्षक कर्मचारी हैं जिनके निधन होने के बाद भी पेंशन बदस्तूर भेजा जा रहा है। कुछ तो ऐसे हैं जिनके आश्रितों का भी निधन हो चुका है, फिर भी उन्हें पेंशन की राशि भेजी जा रही है। ऐसे हुआ गड़बड़ी का खुलासा। सरकार के निर्देश पर शिक्षक और कर्मचारियों को ट्रेजरी के माध्यम से उनके खाते में पैसा ट्रांसफर होता है। इसके लिए विश्वविद्यालय को पीपीओ ट्रेजरी को भेजना पड़ता है, लेकिन ट्रेजरी बगैर जांच किए ही पैसे दे रहा है, जिसके कारण कई लोगों को गलत भुगतान किया जा रहा है। जब पेंशनधारियों के परिजनों ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया तो इसका खुलासा हुआ कि इनमें से कईयों का निधन हो चुका है। आश्रितों के निधन के बाद भी आ रही पेंशन। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें आश्रितों का भी निधन हो चुका है, फिर भी पेंशन भेजा जा रहा है। 3 शिक्षकों के परिजनों ने बिहार विश्वविद्यालय को आवेदन देकर शिकायत की है कि उनके पिता और माता दोनों का निधन हो चुका है, लेकिन अब भी खाते में पेंशन आ रहा है। क्या बोले बिहार विश्वविद्यालय के कुल सचिव? कर्मचारियों के निधन के बाद भी पेंशन भेजे जाने पर विश्वविद्यालय के सचिव डॉक्टर आर के ठाकुर ने रटा रटाया जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बात सामने आई है, अब तक 50 से अधिक कर्मचारियों को राशि भेजे जाने का अंदेशा है, इसके बारे में जांच कराई जाएगी और इसके आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल एक तरफ जहां सरकार पैसे की कमी का रोना रो रही है, तो वहीं विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं। बहाली नहीं होने के कारण बेरोजगार युवा सड़कों पर घूम रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बगैर काम के पैसे लुटाए जा रहे हैं। अगर सही से पूरे बिहार में जांच कराई जाए तो ऐसे कई मामले सामने आएंगे जहां सरकारी धन का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। बहरहाल आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।